हाँ बेटा, आर यू फ्री? मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा अगर कोई अर्जेंट काम है तो बात आ जाओ, वरना लेट मी वर्क। पाँच दस मिनट का, पाँच और दस मिनट, पंद्रह हो गए। पाँच और दस की दरवाजा बंद किया। मैंने कई बार कहा है कि मेरे स्टडी रूम का दरवाजा हमेशा बंद रखो। अगर तो तुम चाय पानी पूछने आए हो तो फिर तो आई एम रेडी बिजी। मेरी छुट्टियां कंप्लीट हो गई। और कौन सी छुट्टियां? अभी फेस्टिवल में आया था अब दिल्ली से। हाँ 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 हाँ, कंप्लीट हो गई। मैं कल जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अभी तो दिल्ली जाऊंगा। अच्छा, तो काम अच्छा चल रहा है ना वहाँ पे? हाँ, पर मंथ कितना कमा लेते हो बेटा? 35,000। हाँ, पर पापा वो जो लोन मैंने लिया था ना एजुकेशन में, हाँ हाँ हाँ, तो वो भरने के बाद मेरा 25-26। तो वो लोन चुक गया है कि अभी है बाकी? हाँ वो लोन चुक गया। अच्छा, वेरी गुड यार, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। पापा वो एक्चुअली क्या है कि वहां पे दिल्ली में मैं थिएटर भी करता हूँ और पार्ट टाइम। तुम मतलब नौकरी भी करते हो और पार्ट टाइम थिएटर भी करते हो? हाँ पापा, वो शौक है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा ही शौक है ना, तो मतलब ठीक है वो करो, पर लेकिन उसमें पैसा पैसा क्या मिलेगा यार? नहीं नहीं पापा, वहाँ पे मतलब वहाँ पे टीवी कमर्शियल और वो शॉर्ट मूवीज करते हैं तो अच्छा पे देते हैं, तो एक दिन का 5-10,000 देते हैं। यार इतनी औकात है बस टीवी कमर्शियल की? 5-10,000 यहाँ पे यार निहालो कमा लेती है 5-10,000 रुपया महीने का। महीने का नहीं मेरा, भले एक दिन का। पूछ नहीं आलो कौन है? हमारे फैक्ट्री में जो झाड़ू लगाती है ना उसको निकालो बोलते हैं। फैक्ट्री भी बड़ी है पापा, तो रोज का 5,000 कमा सकते हो? पापा मेहनत भी डाल रहे हैं उसमें। होगा ना उसका झाड़ू लगाने को तो उसकी मजबूरी। बात तो सही है, शौक से नहीं कर रही हो, मजबूरी से कर रही हो। तुम भी इंजीनियर तो मजबूरी से बने हो ना के शौक से? डिमांड थी पापा। तो डिमांड तो सही थी, आज क्या हो, इज्जतदार हो। अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो कौन इज्जत करता तुम्हारी? सोचो, पढ़े लिखे आदमी की इज्जत कितनी है। अपने ठाट से जाके कुर्सी पर बैठते हो हाँ, और वहां से घंटी बजाते हो, आता है नौकर और चाय पिलाता तेरे को, और फिर सेठ बुलाता तो तुम उसके पास फाइल लेके जाते हो। ये सब तो हो गया, आदमी घर का अपना बिजनेस संभाल। हमारा करोड़ों का बिजनेस है। वो बिजनेस में मैं क्या करूँगा पापा? ये तो इसमें क्या करोगे बिजनेस में? बिजनेस पता क्यों किया जाता है? पैसा करने के लिए नहीं, अपने घर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बाप का हाथ बटाने के लिए बेटा आता है, और बेटा पूरे कारोबार को संभालता है, तब जाके बाप की बाजू जो है वो स्ट्रांग होती है, ताकतवर होती है। वो 35,000 क्या मैं देखो 50,000 रुपया, लाख रुपया महीना। अरे पापा, तो लाख रुपया महीना मेरे से ले, यहाँ पे आके काम कर, तेरी इंजीनियरिंग भी हो गई, अब तुम आके अपना बिजनेस संभालो। और बेटा एक बात सोचो, कई कई परिवार बर्बाद हुए हैं जब उनके बच्चे बिजनेस में नहीं आए और उनका बिजनेस जो है बाप के आंख बंद करते ही सारा समाप्त हो गया। पर पापा वो आपके मतलब मैं क्या करूंगा लाख रुपए? अगर मुझे चाहिए ही होता पैसा तो मैं लोन लेके थोड़ी पड़ता, आपके पास पैसा है मैं उसी टाइम पैसे चुका देता। दैट आई रियली रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू आर सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन। हाँ पापा, आई लव यू फॉर दैट पापा। एक्चुअली वो बात ये है कि अब वहां पे काम करते हुए टाइम हो गया है, एक्सपीरियंस ठीक है, पर मैं मन नहीं लगता उस काम में, सैचुरेशन टाइप का आ गया है। 35,000 में सैचुरेशन हो गई तेरी? जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता वही चीज यहाँ आगे। यहाँ पैसा भी है, जॉब सेटिस्फेक्शन भी है, प्रोग्रेस भी है, और आगे तरक्की करने के पूरे चांसेस हैं। पापा वो मतलब मन भी तो लगाना होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मन नहीं लगेगा?
बस पापा मेरा मतलब एक्टिंग का मन है बचपन से, पर वो कभी वो डिसीजन ले नहीं पाया तो पर अब मन है एक्टिंग करोगे तुम? करता हूँ पापा, वहां पर किए हैं मैंने, मैंने आपको कभी दिखाया नहीं, थोड़ी बहुत किए। अब वो पार्ट टाइम करना ठीक है यार, करते रहो बस अपना, लेकिन कोई अच्छा जॉब ढूंढो, इधर ही आ जाओ बेटा, घर में आओ, घर का खाना खाओ। पापा वहां पे मतलब जैसे दिल्ली में रहा वैसे ही मैं कुछ दिन बॉम्बे जाना चाहता हूँ, अपना काम करूंगा, वहां पे काफी काम है पापा और लुक्रेटिव है, काफी पैसे मिलते हैं, मतलब इंडस्ट्री वैसी नहीं है इसमें, एक्टिंग में। हाँ पापा मतलब अच्छा, मतलब रेस्पेक्टेबल भी, अगर आपको थोड़े काम मिलने लगते हैं आपके लिंक्स बन जाते हैं, कॉन्टैक्ट बन जाते हैं। और देखिए आज तक मैंने किया ना, मैंने अपने पावर अपने लिंक्स का कभी यूज नहीं किया ना, वो केवल अपने ही जो खुद के वो है उससे मैंने बनाया। मेरी सलाह तो नहीं मानोगे ना? बताइए पापा पहले। मेरी सलाह ये है बेटा, तुम इज्जतदार हो गए हो, अब मालदार हो जाओ, अपना बिजनेस करो, मालदार हो, तुम्हारी शादी करनी है, दो पांच बच्चे भी तो होने हैं कि नहीं? पापा वो सब ठीक है, पर अभी मतलब एक मतलब होता है ना पापा कि मतलब मुझे खुद का भी कुछ करना है, तो मतलब इट डजंट हैव एनी फ्यूचर बेटा, यू हैव टू हैव फॉल बैक ऑन योर बिजनेस बेटा, यू हैव टू हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। नहीं पापा मतलब मैं पहले मुझे भी यही लगता था, पर मैंने फिर अच्छे से रिसर्च की है और देखा भी है, बहुत सारे अच्छे एक्टर भी फॉरेन के भी, इंडिया के अच्छे बिजनेसमैन भी, ऐसा नहीं है। फॉरेन का एक एक्टर है पापा एक्शन कचर, वो तो अब एक बात बताओ, तुम अपने आप को कितना टाइम देना चाहते हो टू बी एन एक्टर? जितना जल्दी हो जाए, मतलब मैं नहीं डिसाइड अ लिमिट नाउ, यू प्रॉमिस मी वन थिंग, वन ईयर, एक साल देना चाहते हो? हाँ पापा पर वो नहीं बेटा, देखो मैं एंडलेस नहीं है ये काम, कि काम ढूंढते ढूंढते आदमी की जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा नहीं करना है। करना है तुम्हें, शौक पूरा करना है, ठीक है, आई एग्री विद यू, यू डू व्हाट यू वांट टू डू, बट डिसाइड अ लिमिट, साल, दो साल, दो साल पापा, दो साल ठीक है। उसके बाद अगर तो तुम स्टार हो, अगर तुम अपने पैरों पे खड़े हो, मुझे कोई एतराज नहीं, जिंदगी भर वही काम करो, अगर भगवान करे तुम जल्दी कामयाब हो जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो, लेकिन बेटा अगर भगवान न करे दो साल तुम्हें वो पोजीशन में लाके नहीं खड़ा करता जहां पे तुम्हारा नाम इज्जत शौहरत और सब कुछ हो, तो घर के रास्ते पूरे खुले। कभी ये मत सोचना कि ईगो मत रख के बैठ जाना नहीं, नहीं, कि मैं तो बस यही करूंगा या भूखा मर जाऊंगा। तेरे माँ बाप ने तेरे को बड़े प्यार से पाला है बेटा, भूखा मरने के लिए नहीं पाला है। हाँ पापा, और कभी कभी जिंदगी में किसी चीज की कमी महसूस हो तो ये सारा पैसा तेरा है बेटा। वही वही मैं जानता हूँ पापा, और पापा मैंने इतनी पढ़ाई भी की होगी ही नहीं। यू प्रॉमिस मी टू थिंग्स दैट यू आर गिविंग योर सेल्फ टू ईयर्स, नंबर वन आदमी टू ईयर्स, एंड नंबर टू यू विल नेवर एवर डिप्राइव योर सेल्फ ऑफ food, shelter and clothes. हाँ पक्का पापा, your father has enough money to provide you for 2 years, okay? Promise? You will do it? God bless you. Good. I love you.